हेलो फ्रेंड्स, वीकेएसयू का अभी तक पार्ट थ्री का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और एग्ज़ाम ख़त्म हुए 3 महीना से ऊपर हो गया दोस्तों, और फिर भी अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से छात्रों को काफ़ी कठिनाई और परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं हम इसका क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह यह है कि परीक्षा विभाग में त्रुटिपूर्ण रिजल्ट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्नातक पार्ट थ्री सत्र 2016 से 19 के परीक्षा फल में गड़बड़ी आने की वजह से विद्यार्थी कॉलेज परीक्षा केंद्र, नोडल सेंटर, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन व 0 माइल स्थित न्यू कैंपस का चक्कर काटने को मजबूर हैं। विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी समस्याओं का समाधान कहाँ होगा। बक्सर, डुमराव, सासाराम, भभुआ, कैमूर व डालमिया नगर के विद्यार्थी हर रोज विश्वविद्यालय का चक्कर काटने को विवश हैं। विद्यार्थियों को सही जानकारी देने वाला भी कोई नजर नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा त्रुटिपूर्ण रिजल्ट सुधार के बारे में पूछे जाने पर प्रशासनिक भवन के अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि आप इसके लिए परीक्षा विभाग से संपर्क करें। वहीं परीक्षा विभाग के द्वारा परीक्षा केंद्र से मेमो लेकर आने की बात कही जा रही है। गौरतलब हो कि डिग्री पार्ट थ्री की परीक्षा 28 मई से शुरू हुई थी, जो 8 जून तक चला था। परीक्षा के लिए पूरे शाहबाद क्षेत्र में 43 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें भोजपुर में 11, बक्सर में 6, कैमूर में 7, रोहतास में 11 व बिक्रमगंज में 7 केंद्र शामिल था। तो देखा दोस्तों आपने, काफ़ी जो है विद्यार्थी परेशानी झेलना पड़ रहा है रिजल्ट ना आने के चक्कर में। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जैन कॉलेज के विद्यार्थी ने काफ़ी टीचरों से पूछा था, तो उनको देखिए क्या कहा गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षार्थियों को नहीं दिया जा रहा है मेमो, इधर उधर भटक रहे हैं विद्यार्थी। उसके बाद लिखा है त्रुटिपूर्ण रिजल्ट सुधार के लिए परीक्षार्थी इधर उधर भटक रहे हैं। परीक्षा केंद्रों के द्वारा परीक्षार्थी को मेमो नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण परीक्षार्थियों को परेशानी बढ़ती जा रही है। जैन कॉलेज के परीक्षार्थियों ने बताया कि परीक्षा केंद्र से मेमो की मांग किए जाने पर यह कहकर हम लोगों को लौटा दिया जा रहा है कि त्रुटिपूर्ण रिजल्ट सुधार के लिए मेमो की कोई आवश्यकता नहीं है। त्रुटिपूर्ण रिजल्ट सुधार की समस्या के बारे में परीक्षा समन्वयक डॉक्टर कुमार कौशल लेंद्र ने कहा है कि रिजल्ट में जो त्रुटि है उसका निष्पादन जल्द कर दिया जाएगा। अभी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ललिता वर्मा छुट्टी पर हैं, उनके आने के बाद मामले से उन्हें अवगत कराया जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे शिक्षक लोग जो हैं छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी आ गई है, उसको ठीक करना बाकी है। और दोस्तों अभी तक मेमो भी बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि पार्ट थ्री का रिजल्ट सेप्टेम्बर के लास्ट वीक तक जारी होने की संभावना है, या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और वीकेएसयू से अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।